गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वाले वीडियो में कंटिन्यू किया था चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर्स, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए अगले आपके अपने क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, वेरीफाई ए माइनस माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, वेयर ए इज इक्वल टू 21 एंड बी इज इक्वल टू 18, वेयर ए इज इक्वल टू 21 एंड बी इज इक्वल टू 18। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हिलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या गिवन है, ए माइनस माइनस ऑफ बी। तो सबसे पहले जो आपको वैल्यूज़ गिवन है वो वैल्यूज़ डायरेक्ट उठा के जो भी आपको गिवन है उसमें पुट करेंगे। ए आपको क्या गिवन है, 21, 21 माइनस माइनस ऑफ 18, राइट। एंड वी नो व्हेन टू मल्टीप्लीकेशन साइंस आर कम टूगेदर इन मल्टीप्लीकेशन देन आंसर इज प्लस माइनस माइनस प्लस एंड 18। सो 21 प्लस 18 इट मीन्स 39। इन सेम वे हम लिखेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 21 प्लस बी की वैल्यू क्या है आपके पास, 18। सो 21 प्लस 18 इज इक्वल टू 39। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस वेरीफाइड। आई होप ये आपको समझ आया होगा डस्टर। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के अंदर आपका नेक्स्ट पार्ट है जो कहता है व्हेन ए इज इक्वल टू, व्हेन ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू 118 एंड बी इज इक्वल टू 125। अभी आपने किया सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ए माइनस माइनस ऑफ बी। अभी बताया जब भी दो मल्टीप्लाई में माइनस के साइंस आ जाएं तो उनका आंसर क्या हो जाता है, प्लस। तो इट मींस यहां से मेरे पास क्या आ गया, 118 माइनस माइनस ऑफ 125। सो 118 प्लस 125, 8 एंड 5 इट मींस 13, 2 एंड 1 3 एंड 1 4, 1 एंड 1 2, सो 243। इन सेम वे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी। आपके पास ए की वैल्यू क्या है, 118 प्लस 125 इट मींस 243। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस वेरीफाइड। इट इज़ क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, व्हेन ए इज इक्वल टू, व्हेन ए इज इक्वल टू 75, ए इज इक्वल टू 75 एंड बी इज इक्वल टू 84 एंड बी इज इक्वल टू 84। सेम वे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या बोल रही है, ए माइनस माइनस ऑफ बी। इट मीन्स ए की वैल्यू क्या है, 75 माइनस माइनस ऑफ 84 एंड वी नो वेरी वेल माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई में आ जाए तो आंसर क्या होता है, प्लस। सो 84, 4 प्लस 5 9, 7 एंड 8 15। सो आवर आंसर इज 159। इन सेम वे वी टेक राइट हैंड साइड, ऑन राइट हैंड साइड व्हाट वी हैव टू सॉल्व, ए प्लस बी, वेयर ए इज इक्वल टू 75 प्लस एंड बी इज इक्वल टू 84। इट मीन्स 4 प्लस 5 9 एंड 7 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 15। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस वेरीफाई आवर रिजल्ट। इट इज़ क्लियर। अब इसी का लास्ट पार्ट हम करेंगे, व्हेन ए इज इक्वल टू, सेम आपको करना है जिसमें ए की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है। नाउ ए इज इक्वल टू 28 एंड बी इज इक्वल टू 11, व्हेन ए इज इक्वल टू 28 एंड बी इज इक्वल टू 11। सेम वे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मीन्स ए माइनस माइनस ऑफ बी, इट मीन्स 28 माइनस माइनस ऑफ 11, राइट। सो 28
प्लस 11, 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 1 3. इन सेम वे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ए प्लस बी, इट मीन्स 28 प्लस 11, इट मीन्स 39. हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस वेरीफाइड आवर रिजल्ट. इट इज क्लियर. अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 पे. क्वेश्चन नंबर 9 आपने कंपेयर करना है. क्वेश्चन नंबर 9, कंपेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कंपेयर करके आपको बताना विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर और इक्वल. इट इज क्लियर. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइनस 8 प्लस माइनस 4 एंड माइनस 8 माइनस माइनस ऑफ 4. यहाँ पे देखो, अभी अभी मैंने बताया था जब आपके पास दो नेगेटिव साइन एक साथ आ जाए और मल्टीप्लाई में हो तो आंसर क्या हो जाता है, प्लस, राइट. लेकिन अब यहाँ पे दो अल्टरनेट साइन आ गए प्लस एंड माइनस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस. प्लस माइनस जब भी आपके पास मल्टीप्लाई में दो सेम साइन आए, प्लस प्लस तो आंसर क्या होगा, प्लस. माइनस माइनस तो भी क्या होएगा, आंसर प्लस. अल्टरनेट साइन अगर आ जाएं, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस और एक प्लस, तो आंसर हमेशा क्या होगा, माइनस. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. इन सेम वे वी प्रोसीड. माइनस 8 प्लस माइनस माइनस, माइनस ऑफ 4. माइनस 8 एंड माइनस माइनस प्लस 4. माइनस माइनस, अब ये किसके लिए, वो रूल आपका किसके लिए था, मल्टीप्लाई के लिए. अब एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए अगर मैं रूल फॉलो करूं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अगर मैं रूल फॉलो करूं, तो उसमें क्या होता है, दो नेगेटिव साइन अगर साथ आ जाएं तो क्या करना है आपने, प्लस. हमेशा क्या करना है, ऐड. लेकिन साइन कैसा आएगा आंसर में, माइनस. क्लियर. प्लस प्लस दो सेम साइन आ गए तो भी आपने क्या करना है, ऐड. और आंसर में साइन कैसा आएगा, प्लस. अगर आपके पास दो अल्टरनेट साइन आते हैं तो आपने क्या करना है, सबट्रैक्ट. तो आपने क्या करना है, सबट्रैक्ट. लेकिन साइन हमेशा हमेशा कौन सा आएगा, जो बिगर डिजिट के सामने है, जो बिगर और ग्रेटर डिजिट के सामने है. इट इज़ क्लियर टू एवरी वन. आते हैं अपने को क्वेश्चन पे वापस. हाँ जी, क्वेश्चन में अगर आपके पास क्या है, दो सेम साइन है, तो इट मीन्स क्या होगा, प्लस. लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का. 8 एंड 4 12, माइनस 8 एंड प्लस 4 प्लस माइनस माइनस. लेकिन टर्म कौन सी बड़ी है, डिजिट कौन सी बड़ी है, 8. तो साइन किसका आएगा, माइनस. माइनस 8 प्लस 4, इट मीन्स माइनस 4. नाउ वी नो वेरी वेल, माइनस 4 और माइनस 12 विच इज़ बिगर. माइनस 4 इज़ बिगर देन माइनस 12. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, नंबर लाइन पे जितना हम लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं, दिस इज़ 0, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, मान लो यहाँ पे आपका आ जाता है माइनस 12. जितना मैं राइट हैंड साइड पे चलती जाती हूँ, उतना मेरा नंबर बड़ा होता चला जाता है माइनस में. याद रखना, वैसे भी जितना मैं राइट हैंड साइड पे जाऊंगी उतना मेरा नंबर बड़ा होता चला जाएगा. सो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन माइनस 12. नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस 3 प्लस 7 माइनस 19 15 माइनस 8 प्लस माइनस 9. माइनस 3 प्लस 7 माइनस 19 15 माइनस 8 एंड प्लस माइनस, ये दोनों
मल्टीप्लाई में है आपके साइन, प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। जब भी आपके पास ऐसा है, कुछ पॉजिटिव टर्म्स है कुछ नेगेटिव टर्म्स हैं, तो हमेशा क्या करना, जो सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं उनको इकट्ठा प्लस कर लेना, जो सारी नेगेटिव टर्म्स हैं उनको इकट्ठा प्लस कर लेना, उनके सामने नेगेटिव साइन लगा देना। तो सेम मैं आपके सामने कर रही हूँ, माइनस 19 एंड माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू माइनस 22 एंड प्लस 7। इन सेम वे माइनस 8 एंड माइनस 9 माइनस 17, माइनस 22 एंड प्लस 7 प्लस माइनस माइनस 22 इज़ द ग्रेटर डिजिट, सो आंसर हमें हमारा क्या आएगा, नेगेटिव 22 माइनस 7 इट मीन्स 15 एंड 15 माइनस 17, 17 इज़ ग्रेटर और 17 के सामने क्या साइन है, माइनस, तो कैसा आएगा आंसर, नेगेटिव 17 में से 15 गया 2, माइनस 15 इज़ बिगर और माइनस 2 इज़ बिगर, सो माइनस 2 इज़ ग्रेटर, दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री माइनस फोर्टीन प्लस इलेवन अभी मैंने आपको बताया, जब भी आपके पास ऐसा आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास सेम साइन वाली टर्म्स है उनको कलेक्ट करके प्लस कर लो, अगर नेगेटिव साइन वाली टर्म्स है तो उनको इकट्ठा करके अलग से प्लस कर लो, देन सबट्रैक्ट देम। 23 प्लस 11, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3 एंड -41। 23, लेकिन ये दोनों क्या है, नेगेटिव टर्म है तो साइन किसका आएगा, माइनस, और उन दोनों को क्या कर दूंगी, प्लस, 1 एंड 1 2 4 एंड 1 5, आफ्टर दैट सबट्रैक्ट देम। 41 इज द बिगर डिजिट इन बिटवीन दैम, सो आवर आंसर बिकम्स नेगेटिव 41, 11 में से 4 गया इट मीन्स 7, इन सेम वे 3 में से 3 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 4 में से 2 गया 2 एंड माइनस, यू नो वेरी वेल विच इज़ ग्रेटर, माइनस 7 इज ग्रेटर देन माइनस 29, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट +24 and -15, 36 plus -52 -36। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई में दो साइन आ गए लेकिन अल्टरनेट साइन है तो क्या आएगा, -24 -15, 36 plus -52 -36, तो यहाँ से क्या आ गया 39, दो अल्टरनेट साइन है, दो सेम साइन है तो सबसे पहले इनको प्लस करूँगी लेकिन साइन कैसा आएगा, माइनस, 5 एंड 4 9, 2 एंड 1 3, 39 माइनस 39 आंसर इज 0। 36 प्लस 36, पहले सेम साइन वालों को इकट्ठा करके क्या करोगे, प्लस, 36 प्लस 36 72 72 माइनस 50, इट मीन्स 20, यू नो विच इज ग्रेटर, 0 इज ग्रेटर और 20 इज ग्रेटर, 20, सो आवर आंसर इज दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस। नेक्स्ट 231 plus 79 plus 51, 399 plus 159 plus 81। ओके, सबसे पहले जो सेम साइन वाले उनको प्लस करेंगे, 9 plus 1 10, 7 plus 5 12, 12 और 1 13 एंड प्लस माइनस 231। हाँ जी, 9 1 10 10 और 9 19, 5 और 1 6 6 और 9 15 15 और 1 16, 3 4 and 8 12 और 1 13। हाँ जी, इसमें से प्लस माइनस माइनस, 1 में से 0
वन, थ्री में से थ्री ज़ीरो, टू में से वन. नाउ विच इज़ ग्रेटर? दिस. थैंक यू सो मच. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू.